आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आज कानपुर मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पांच राज्यों में तय समय से पहले चुनाव की मांग, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर इस राज्य में गए मंत्री की इलेक्शन कमीशन से अपील। कोवैक्स को मंजूरी देने की सिफारिश, सीरम ने बच्चों के लिए तैयार की है ये वैक्सीन। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट का मास्टरमाइंड जसविंदर सिंह जर्मनी में गिरफ्तार, दिल्ली मुंबई को भी टारगेट करने की थी साजिश। बच्चों के वैक्सीनेशन पर आज केंद्र की राज्यों के साथ बड़ी बैठक, कोरोना की स्थिति पर भी होगी चर्चा। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। प्रतापगढ़ के लालगंज में पहुंचे सीएम योगी ने आयोजित एक जनसभा में 553 करोड़ रुपए की 378 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए जिले की एक कहावत का जिक्र किया कि 100 पढ़ा लिखा एक प्रतापगढ़ लोगों ने इसे मान लिया है। दुनिया में कहीं भी प्रतापगढ़ का आदमी जाता है तो वो अपनी छाप छोड़ देता है। आगे सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस के गढ़ में कहा कि कांग्रेस के समय में घोषणा होती थी कि 10 साल बाद शिलान्यास, जबकि 20 साल बनने में लगते थे और तब भी बनता तो था ही नहीं, काम आधा अधूरा रह जाता था। आगे सीएम ने कहा कि हमने माफियाओं के आतंक पर बुलडोजर का वार करके गरीबों वंचितों को अपने घर का उपहार दिया। हमारी सरकार ने आंवले को एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत प्रतापगढ़ जनपद के साथ जोड़ते हुए पूरे प्रतापगढ़ की इस पहचान को दुनिया के मंच पर ले जाने, उसके माध्यम से रोजगार का सृजन करने और अधिक से अधिक लोगों को इस दिशा में प्रेरित करने के लिए फूड प्रोसेसिंग पार्क स्थापित हो, यहां पर खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग स्थापित हो, इसके लिए एक बृहद योजना को आगे बढ़ाया है। पिछले 20 महीनों से पूरी दुनिया तबाह है कोरोना से, और कोरोना में प्रधानमंत्री जी का मंत्र था जीवन भी बचाना है, जीविका को भी बचाना है, और हम लोगों ने उसी दिशा में प्रयास किया है। लेकिन भाइयों बहनों, प्रतापगढ़ की मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने एक दिवसीय दौरे पर 31 दिसंबर को रायबरेली आ रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आईटीआई कैंपस के मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और साफ सफाई का काम जोरों पर चल रहा है। साथ ही आवारा पशुओं को भी पकड़कर गौशालाओं में भिजवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनसभा स्थल का प्राइम टीवी संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर जायजा लिया और भाजपा नेत्री से मुलाकात की। आइए आपको सुनाते हैं कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहा है सुधा देवी ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 31 दिसंबर को अपने एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली आ रहे हैं। हम इस समय जो है आईटीआई कैंपस का ये ग्राउंड है और इसी ग्राउंड में वो आएंगे और जो है जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। जिला प्रशासन पूरी तरह से इस पूरे मैदान की साफ सफाई में जुटा हुआ है। आप देख सकते हैं कहीं पर जेसीबी से सब सफाई की जा रही है और जो है सारे जो है नगर पालिका के कर्मचारी भी इस सफाई अभियान में जुटे हुए हैं। हमारे साथ जो है वो भाजपा नेत्री और सरेली विधानसभा की संभावित उम्मीदवार सुधा द्विवेदी जी हैं। आइए जानते हैं उनका क्या कहना। मैम, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो कितने लोगों के आने की संभावना है? हमारे माननीय योगी जी आ रहे हैं और जन विश्वास यात्रा के मिशन के साथ, तो ये आप जानिए कि ये जो ग्राउंड है इसमें लाखों के लोगों की आने की संभावना है, क्योंकि योगी जी हमारे पसंद के नेता हैं और हम उन्हें बहुत ही दिन से ये आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो आवें
और हम उन्हें उनका भाषण सुने और हम सब लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। बहुत दिन के बाद मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं रायबरेली, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में एक उत्साह भी देखने को मिल रहा है, तो उनके आगमन की जैसे सूचना मिली तो कैसा महसूस कर रही हैं आप? हम लोग बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, इसीलिए हम इस ग्राउंड में आए हैं कि हमने देखा है कि जो हमारा स्वच्छता अभियान चल रहा है हमारे मोदी जी के द्वारा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे स्वच्छ कराया जाए और माननीय योगी जी का यहाँ स्वागत किया जाए और हम सब लोग लाखों की जनसंख्या यहाँ पर एकत्रित होगी और हम सब लोग उनको सुनना चाहेंगे और उनके भाषण को सुनने के लिए लाखों की जनमानस यहाँ एकत्रित होगी। तो लाखों की जनमानस यहाँ पर एकत्रित होगी, ये कहना था सरीनी विधानसभा की संभावित उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी से हैं सुधा द्विवेदी जी का। निश्चित इस मैदान में कम से कम जो है 1 लाख से 100 लाख आदमी के आने की पूरी संभावना है। देख, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि योगी सरकार रायबरेली जिले को क्या सौगात देके जाते हैं। बदायूं पहुंची भाजपा की जन विश्वास यात्रा। ये जन विश्वास यात्रा जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता के नेतृत्व में जिले के कई जगह से होते हुए निकाली गई और इस यात्रा का नगर विकास मंत्री महेश चंद्र गुप्ता के आवास पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान यात्रा में पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में विकास की गंगा बह रही है। खबर रायबरेली से है जहां महिला सम्मेलन में भाग लेने पहुंची भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री मीना चौबे। इस दौरान आईटीआई के कम्युनिटी हॉल में मीना चौबे ने सरकार की योजनाएं गिनवाई। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा अन्य पार्टियों की तरह महिलाओं को साधती नहीं है बल्कि उनके लिए काम करती है। आगे उन्होंने कहा कि सरकार की ज्यादातर योजनाएं महिलाओं से जुड़ी हैं। त्रिपक्ष को लेकर के चलती है। अब आप देखेंगे कि 2014 से जितनी योजनाओं को अगर मैं गिलाने लगूंगी वो किसके लिए है? अगर आप उज्ज्वला गिनेंगे तो वो महिलाओं के लिए है, जनधन खाता करेंगे महिलाओं के लिए है, आवास देखिए महिला मुखिया है, शौचालय देखिए जिसको इज्जत घर का नाम दिया गया महिला के लिए है, अगर आयुष्मान की बात करेंगे तो 47% उसकी महिला हकदार है। तो इस तरह से स्टार्टअप हो, स्टैंडअप हो, स्किल हो, स्वयं सहायता समूह हो, मातृवंदन हो, तमाम योजनाएं चल रही है। वो महिलाओं को साधने का विषय ही नहीं, महिलाएं साधने जैसा शब्द नहीं होना चाहिए महिलाओं के लिए। श्रम विभाग मथुरा ने संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के तहत बीएसए कॉलेज में साइकिल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें श्रमिक और उनके परिजन इकट्ठा हुए। वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री और विधायक चौधरी ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम के दौरान जमकर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई क्योंकि लोगों की जुटी भीड़ ने न तो मास्क पहन रखा था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। खबर सिद्धार्थनगर से है जहां किसान यूनियन के तहसील परिसर का गेट बंद करके NH-21 पर धरने पर बैठ गए और प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। बासी तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन अंबावता के जिलाध्यक्ष यार मोहम्मद चौधरी की अगुवाई में 36 दिनों तक धरना चला लेकिन अधिकारियों के आश्वासन पर धरना बंद कर दिया गया था। लेकिन मामले का निस्तारण कराए बिना ही ग्राम पंचायत बड़हर घाट में निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया जिससे नाराज होकर किसानों ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया और नाराज किसान यूनियन के लोगों ने सड़क जाम करके धरने पर बैठ गए। आपसे बता दूं 36 दिन मैंने अनवरत यहाँ धरना दिया कि किसी के पास साथ किसी गरीब कार्यकर्ता या किसी भी किसान के साथ अन्याय ना हो, लेकिन वहाँ गरीब पट्टेदार थे साहब बड़हर घाट में। बड़हर घाट में इन्होंने कहा, डीएम साहब ने, एसडीएम साहब ने, सब ने आश्वासन दे दिया कि गरीब पट्टेदारों के उस नंबर पे कोई निर्माण नहीं होगा और इन्होंने जहाँ पट्टा नहीं था वहाँ चिन्हित करके जमीन दे दिया। कल मैंने परसों 3 दिन से लगातार मैं रोक रहा हूँ और हर अधिकारी कह रहा है कि बंद है वहाँ काम, 3 दिन से जबरदस्ती आज कर यहाँ भर रात भर में ने जड़वा दिया हो। आप बता दीजिए किसी गरीब के जमीन पर अगर निर्माण हो जाएगा तब ये हो जाएगा कि आप कोर्ट जाओ। प्रशासन अगर हमारे साथ अन्याय कर रहा है, उन गरीबों के साथ अन्याय कर रहा है तो मेरी मजबूरी है। मैं बुलवाया था कि वार्ता करके मैं समापन करूंगा, वहां से मुझे प्रमाण मंगाना पड़ा कि 15-18 लेबर पंचार क्या नाम है कारीगर 6-6 वहाँ निर्माण जोरों से करवा रहे हैं और वहाँ रुकवा नहीं रहे थे, इसलिए मुझे मजबूरन इस बासी NH रोड पे आना पड़ा। तहसील प्रशासन बड़हर घाट के प्रधान को
और क्षमा चाहेंगे पुलिस प्रशासन भी मिल करके गुंडा बना करके जबरदस्ती विकास कार्य किसी के नंबर पे किसी के पट्टे पे करवा रहे हैं। डीएम साहब के कहने के बाद भी आश्वासन दे रहे हैं, सेक्रेटरी जो महिला है उसका पति जो है ठेकेदार है और 15 मजदूर लगे हैं, 2 वहाँ कारीगर हैं। मथुरा में संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत बीएसए कॉलेज मथुरा में छात्रों का साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। श्रम विभाग के पंजीकृत श्रमिकों की बच्चों के लिए जो स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी विधायक और पूरन प्रकाश विधायक कारिंदा सिंह की ओर से साइकिलें वितरित की गई। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण और जिला पंचायत अध्यक्ष किशन चौधरी मौजूद रहे। तृतीय भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत आज बीएसए डिग्री कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें 846 श्रमिकों के पुत्र पुत्रियों को जिन्होंने कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पास कर अगली कक्षा में प्रवेश ले लिया, ऐसे बच्चों को हम साइकिल का वितरण कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में आज के मुख्य अतिथि चौधरी लक्ष्मीनारायण पशुधन दुग्ध विकास मंत्री और अन्य अतिथियों में माननीय देवेंद्र शर्मा जी राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और वही खबर कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली नगर के बैंक ऑफ इंडिया की है, जहां आलू व्यापारी ने बैंक ऑफ इंडिया के कैश काउंटर से 1,90,000 रुपए निकाले, जबकि 40 की गड्डी में एक नोट फटा होने के कारण वो उसे बदलने लगे। इसी बीच पीछे खड़ा किशोर रुपए की तीनों गड्डियां उठाकर बैंक से भाग निकला। बैंक में मौजूद सुरक्षाकर्मी और गार्ड कुछ समझ पाते तब तक टप्पेबाज गायब हो चुका था। व्यापारी ने शोर मचाते हुए पीछा भी किया लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चल सका। पुलिस ने बैंक लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाले, गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमों को लगा दिया गया है और जल्द ही उसे पकड़कर घटना का खुलासा किया जाएगा। खबर फरीदाबाद से है, जहां पर पर्वतीय कॉलोनी के नाली में 9 महीने की नवजात बच्ची का शव मिला है, जिसे कपड़े से लपेट कर फेंका गया था। बच्ची का शव नाली की सफाई करते समय मिला। इलाके के लोगों ने पुलिस को बच्ची के मिलने की सूचना दे दी है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। साथ ही पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। खबर सोनभद्र से है, जहां बीजपुर थाना क्षेत्र में एक युवती से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी समेत उसके साथियों को खेतवा मोड़ से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पीड़िता ने स्थानीय थाने में प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ न्याय की गुहार लगाई है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। खबर संभल के बहजोई कोतवाली बाईपास बबनेटा रोड पर एक शव बरामद होने की है, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को बताया कि मृतक तेजपाल ई रिक्शा चलाकर परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन बीते एक दिन से वो गायब था। जब तेजपाल घर वापस नहीं आया तो परिवार वालों ने तेजपाल को ढूंढा तो उसका शव बरामद हुआ। आगे परिजनों ने बताया कि चोरों ने उनका ई रिक्शा छीन लिया और रिक्शा चालक को मौत के घाट उतार दिया। खबर कानपुर से है, जहां छत पर सो रहे युवक की चौपड़ मार कर हत्या कर दी गई। हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हम लोग सो रहे थे, पूरे मुंह में खूनी खून, ठीक है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।